मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे पास जो आप लोगों के काफी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि भाई ये जो हमें इसे रिन्यू करना है तो इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, इसको ये जो हम किस प्रकार रिन्यू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूँ राज और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप ये जो इसको किस प्रकार रिन्यू कर सकते हैं, इसमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। यदि आपको लगता है कि भाई अच्छी वीडियो डालता है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए हर अपडेट पाने के लिए। दोस्तों, इसको रिन्यू करने के लिए आपको सिंपली तीन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। दोस्तों, तीनों डॉक्यूमेंट्स है जो आपको आपके कॉलेज से मिल जाएंगे। दोस्तों, जिसमें है जो फर्स्ट आपका रिजल्ट, दोस्तों यहाँ पे जो आपको रिजल्ट की जरूरत होती है। दोस्तों, यदि आप सेकेंड ईयर में हो, दोस्तों आपको है जो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाना होगा। और दोस्तों, यदि आप फाइनल ईयर में हो, तो दोस्तों आपको है जो सेकेंड ईयर की मार्कशीट यहाँ पे लगाना होगा। दोस्तों, सेकेंड यहाँ पे है जो फीस स्लिप, दोस्तों फीस स्लिप आपको है जो आपके कॉलेज से मिल जाएगी, आप वहां से जो फीस स्लिप को भी ले लीजिए। और इसके बाद दोस्तों थर्ड है जो आपका एडमिशन स्लिप। दोस्तों, एडमिशन स्लिप भी आपको कॉलेज से मिल जाएगी, उसमें जो आपका नाम होगा, आपकी सारी इंफॉर्मेशन होगी, और दोस्तों साथ में जो कॉलेज का सील और सिग्नेचर जो भी कुछ होता है आपको है जो वहां से देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये तीन डॉक्यूमेंट्स आपको है जो आपके कॉलेज से मिल जाएंगे, बिल्कुल मैंने उनके नाम भी बता दिए हैं। दोस्तों, फर्स्ट है जो आपका रिजल्ट, एडमिशन स्लिप और फीस स्लिप, ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत होता है। दोस्तों, तीनों को जो आपको अच्छे से स्कैन करना है। और दोस्तों, इसके बाद आपको मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना की वेबसाइट पर जाकर आपको ये जो यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास पहले से ही होगा, आपको ये जो सिंपली वहां पे जाना है और लॉगिन करना है। दोस्तों, लॉगिन करने के बाद सारी डिटेल आपकी ओपन हो जाएगी, वहां पे जो आपको नए सेशन वाइज आपको पूरी डिटेल फिल करना है और इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को वहां पे जो आपको सिंपली अपलोड कर देना है। दोस्तों, अपलोड करने के बाद वहां पे जो आपको लॉक करना होगा, और दोस्तों लॉक करने के बाद तभी इसके बाद आपकी जो पीडीएफ जनरेट हो जाएगी, आप उस पीडीएफ को निकला लीजिए और अपने कॉलेज में जाकर उसके जो आप सबमिट कर दीजिए। तो दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो ना तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट हो तो दोस्तों आप इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बोलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।